हमारे पास असल में अनएडेड आई है, और आप देख रही हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, या जिसको आप थीटा ओ भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से एंगल। और यहाँ पर देखें आप, हम यहाँ पर कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे आप थीटा आई भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं। तो इन्हीं दोनों एंगल को मैं यहाँ पर राइट करता हूं थीटा आई अपॉन थीटा ओ, एंगल विद रिस्पेक्ट टू इमेज, एंगल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी कि इट मीन यहाँ पर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, या इन अदर वर्ड हम इनको यूं भी राइट कर सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा। हम इसको बीटा अपॉन अल्फा भी राइट कर सकते हैं। जिस तरह की आप जानते हैं स्टूडेंट कि अगर एंगल हमारे पास समाल हो, फार समाल एंगल, समाल एंगल अगर हमारे पास एंगल क्या हो, समाल हो, तब हम राइट करते हैं कि थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा। बिल्कुल इसी तरह हम यहां पर राइट करेंगे टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो स्टूडेंट्स हम इस फार्मूला से एंगुलर मैग्निफिकेशन इट मीन इमेज की पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट हमें फर्क का पता चल गया, ये हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन थी और ये हमारे पास है एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है स्टूडेंट्स? रिजॉल्विंग पावर में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉस्किटो का साइज देखना चाहें तो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं मच्छर की जो शक्लो सूरत और जिसामत है जाहिरी तौर पर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसके बॉडी के बारे में मुकम्मल डिटेल मिल जाती है, क्योंकि इसको जाहिरी आंख से देखना इतना आसान नहीं है। तो लिहाजा ऐसे आलात जिनसे हम किसी भी बॉडी की माइनर डिटेल हासिल कर सकते हैं, उस आले की सलाहियत को या एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? रिजॉल्विंग पावर। तो सबसे पहले हम रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन करते हैं। रिजॉल्विंग पावर सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसके फार्मूलाज को देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिवील, रिवील की जगहों पर आप गेट भी लिख सकते हैं, द माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी बॉडी की माइनर डिटेल हासिल करना चाहें, उसके लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, उसकी सलाहियत को क्या कहेंगे? रिजॉल्विंग पावर कहेंगे। तो इसके फार्मूला को नॉमिनेट करने के लिए रिजॉल्विंग पावर को हम यहां पर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है वन अपॉन अल्फा मिनिमम। जिस तरह के आपने देखा इसे मैं क्वेश्चन नंबर वन राइट कर रहा हूं, यहां पर जो अल्फा एंगल बन रहा है ये समाल है, और यहां पर जो एंगल बीटा बन रहा है ये लार्ज एंगल है। तो लिहाजा रिजॉल्विंग पावर के लिए हमें कम अज कम एंगल चाहिए, इसी वजह से मैंने यहां पर राइट कर दिया अल्फा मिनिमम। इससे एक बात क्लियर हो गई कि रिजॉल्विंग पावर अल्फा के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हासिल इस्तेमाल करते हैं, उससे जो हमें एंगल मिलेगा अगर वो क्या होगा? कम अज कम। तो लिहाजा उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत अच्छी होगी। इसी तरह हम इसका दूसरा फार्मूला राइट करते हैं, जो अल्फा एंगल होता है स्टूडेंट्स ये बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, जिसको हम अल्फा मिनिमम राइट करते हैं। इट मीन ये जो एंगल है ये लाइट की वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे उसका डायमीटर कम अज कम होगा तो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एंगल मैक्सिमम होगा, लेकिन उसकी रिजॉल्विंग पावर जो होगी वो मिनिमम होगी। तो अगर हम ये वाली वैल्यू क्वेश्चन नंबर वन में पुट करें तो हमें रिजॉल्विंग पावर की दूसरी फॉर्म मिल जाएगी, R इज इक्वल टू वन अपॉन डिवाइडेड बाय
1.22 लैम्डा अपॉन डी। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो ये बन जाएगा डी अपॉन 1.22 लैम्डा। अब हमें रिजॉल्विंग पावर का नया फार्मूला मिल गया जो हमें ये बता रहा है कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायमीटर उसका मैक्सिमम होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर लाइट की वेवलेंथ हमारे पास कम से कम है तो रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम होगी। ये दूसरा फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स। ये तमाम फार्मूलाज आपने माइंड में रखने हैं क्योंकि उनको ऑब्जेक्टिव में भी इस्तेमाल किया जाता है और प्रॉब्लम्स में भी। इसे फार्मूला नंबर 3 कह दें, इसे आप कह दें नंबर 2। इसी तरह स्टूडेंट्स हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। मैं यहां पर राइट करता हूं फॉर स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रो मीन स्पेक्ट्रम। आप जानते हैं कि जब हम लाइट का स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं तो वहां पर हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन हम उन कलर्स की रेंज फाइंड नहीं कर सकते, तो उनकी रेंज फाइंड करने के लिए एक आले का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रो मीन स्पेक्ट्रम, मीटर मीन मेजरमेंट करना यानी कि उनका डिस्टेंस मेजर करना। स्पेक्ट्रोमीटर स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोमीटर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी रिजॉल्विंग पावर बाकी तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो इसका फार्मूला यू राइट किया जा सकता है स्टूडेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है R इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। और ये भी कहा जाता है स्टूडेंट कि ये जो वेवलेंथ में डिफरेंस है इनमें लैम्डा 2 नियरली इक्वल टू लैम्डा 1 होता है, यानी कि दोनों वेवलेंथ जो है वो तकरीबन बराबर है। अगर ये दोनों वेवलेंथ बराबर हो जाए तो हमें जो इनका डिफरेंस मिलेगा वो जीरो के बराबर होगा। अगर हम ये जीरो यहां पर राइट करते हैं स्टूडेंट्स तो बदले में जो हमें आंसर मिलेगा वो इन्फिनिटी में मिलेगा। अब इस इन्फिनिटी से मुराद ये है स्टूडेंट्स कि स्पेक्ट्रोमीटर की रिजॉल्विंग पावर बाकी तमाम इंस्ट्रूमेंट से बहुत अच्छी है। तो लिहाजा ये माइंड में रखिएगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर बाकी तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत अच्छी है, लिहाजा इसका फार्मूला भी माइंड में रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल होगा। इसे आप नंबर 4 कह दें और इसे नंबर 5। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने पढ़ा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आप जानते हैं ये ग्लास प्लेट होती है जहां पर लाइट की डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है और वहां पर हमें डार्क एंड ब्राइट इमेजेस मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी रिजॉल्विंग पावर देखते हैं फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। ग्रेटिंग एक ग्लास प्लेट होती है जिस पर काफी सारी लाइंस होती हैं और उसका आपने मेजर किया था कि एक सेंटीमीटर में 400 से लेकर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर होती है। स्टूडेंट इसका रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है R इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम। एन को यहां पर नॉमिनेट किया जाता है नंबर ऑफ लाइन्स से, नंबर ऑफ लाइन्स, और एम को यहां पर नॉमिनेट किया जाता है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रास, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। आया कि हमारे पास मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा, आया कि हमारे पास ब्राइट इमेज बन रहा है या डार्क, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। आया कि डिफरेंट हमें कलर्स मिल रहे हैं, जब नंबर ऑफ लाइंस को ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला मिलेगा या वैल्यू मिलेगी किसके लिए, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। स्टूडेंट्स आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी किया, डेफिनेशंस को स्टडी किया, और ये बेसिक फार्मूलाज आपने हमेशा माइंड में रखने हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और इससे काफी सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।